उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करती आ रही हूँ चाहे उन्होंने इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हो या अब्रॉड में देने हो तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं आप सबके साथ साथ शेयर करने के लिए कि कैसे उन्होंने अपने मल्टीपल गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर किया और कैसे उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स भी लिए लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी कि मैंने कैसे हाउ आई मैनेज टू क्रैक माई एग्ज़ाम्स दैट टू विद फ्लाइंग कलर्स हो सकता है कि ये टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आप सबके काम आए अगर आप अपकमिंग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो हो सकता है ये चीज़ आपको गाइड करे कि कैसे आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस वॉच कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियोज अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगी जो मेरा सबसे पहला एंट्रेंस क्रैक हुआ था आफ्टर माई बी एस सी नर्सिंग दैट वॉज पी जी आई एम एस सी नर्सिंग एंट्रेंस तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि आपको एक गोल सेट करना होता है जैसे मैंने अपना एक गोल सेट किया था मैंने ये डिसाइड कर लिया था आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मुझे एमएससी करनी है तो इंडिया के किसी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से ही करनी है वरना उतनी देर तक मुझे एमएससी नहीं करनी तो जब मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया देन आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स दैट गोल तो बेसिकली मैंने अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दिया ये एक कोट बोलते हैं ना बोला जाता है ये कि यू आर वट यू थिंक यू आर तो मैंने सोच लिया था अपने आप को मैं देख पाती थी पी जी आई में एमएससी करते हुए सो आई जस्ट सेट अप दैट गोल फॉर मी और जो सेकेंड चीज मैंने की दैट वॉज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग तो जब मैंने अपना गोल सेट किया तो उसके बाद मैंने अपने कलीग से उनकी आगे सहेलियाँ थी जो पी में एम कर रही थी उनको फ़ोन कर, कर, कर के मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि पीजीआई जो है वो क्या फॉलो करता है कौन से ऐसे रेटेड सब्जेक्ट हैं कौन से उनके हॉट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो मुझे रेफर करनी चाहिए और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सो दैट आई कैन क्रैक माय पीजीआई एंट्रेंस राइट उसके बाद जो तीसरी चीज मैंने की दैट वाज गोइंग बैक टूवर्ड्स माय बेसिक्स बेसिकली फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी शायद मेरी सक्सेस में मैंने सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करे क्योंकि मुझे पता था मैं अपनी बी नर्सिंग के टाइम पर बहुत सारे अपने बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि हम सबको पता है कि बी एस नर्सिंग में हम बहुत सारे क्लिनिकल्स करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम थेरी पे ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर सके एंड एम जो आपके एंट्रेंस में आते हैं वो थेरी बेस्ड भी होते हैं और क्लिनिकल बेस्ड भी होते हैं लेकिन क्लिनिकल्स को भी क्लियर करने के लिए पहले आपको अपनी थेरी जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए तो बिल्कुल मैंने ऐसे किया और आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सबसे uh, अच्छी चीज़ है दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक और मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के पहले अपने आप को क्लियर किया मैं सारा दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई प्लान्ड वेल अ हेड ऑफ टाइम तो बेसिकली मेरे पास जो है पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम था देन उसके बाद जो स्टडी थी मैंने उसको इस तरीके से समझा कि जो स्टडी होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट इज अ मस्ट नो सेकेंड इज शुड नो और जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ गुड टू नो तो सबसे पहले जो मस्ट नो वाला पार्ट होता है ना फ्रेंड्स ये आपका एक एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से होता है मस्ट नो वो चीज़ें होती हैं किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो जो चीज़ें आपको एब्सोल्युटली पता होनी चाहिए दे आर कॉल्ड एस मस्ट नो थिंग्स और मैंने वहीं पर सबसे पहले अपने आप को क्लियर किया मैंने ये देखा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता ही होनी चाहिए उसके बाद जो शुड नो कॉम्पोनेंट होता है ना वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है अगर आपका मस्ट नो क्लियर होगा और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है वो गुड टू तो नो चीज़ों पे नहीं किया जो कि एंट्रेंस में आ भी सकती हैं कभी कभी नहीं भी आ सकती तो अगर आप मस्ट नो और शुड नो एरिया कवर कर लेते हो तो कोई भी एंट्रेंस आपके लिए टफ नहीं है सिमिलर थिंग्स आई डिड एट दैट टाइम उसके बाद आई प्रैक्टिस अ लॉट प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है Um, ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपीरियंस थी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे इवन आज भी जब मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ तो मैं अपनी क्लासेस से पहले एक बार ये रिवाइज जरूर करती हूँ क्योंकि उससे मुझे ये थोड़ी एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आएगा और और क्या आपको प्रैक्टिस करना होता है एम सिमिलरली आई डिड दैट थिंग मैंने क्या किया मैं अपना एक टॉपिक क्लियर करती थी या एक चैप्टर क्लियर करती थी और उस चैप्टर या टॉपिक के रिलेटेड मैं एम सी क्यूज सॉल्व करती थी तो एम सी क्यू सॉल्व करने से मुझ में कॉन्फिडेंस आता था मुझे ऐसे लगता था कि येस आई कैन डू दिस राइट तो प्रैक्टिस मेक्स मी लाइक कॉन्फिडेंट ऑल्सो और उससे जो मिस्टेक्स मैं एम सी क्यूज के टाइम पे करती थी वो मिस्टेक्स मैं अपने एग्जाम्स में जाके नहीं करती थी तो ऑल दो इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग बट फाइनली इट पेड ऑफ और जो लास्ट में मैं चीज़ आज आपको बताऊंगी दैट इज आई हैड ऑलवेज टेकन लेसन फ्रॉम माई फेलियर्स फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस सो ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट टाइम ही एंट्रेंस क्रैक हो गया था पी के बाद मैंने मल्टीपल एंट्रेंस क्रैक करे क्योंकि एक बार जब मेरे बेसिक्स बन गए थे तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अपनी बी नर्सिंग के बाद एक और एंट्रेंस मतलब फर्स्ट ईयर में ही एक एंट्रेंस दिया था एम के लिए वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था uh, मैं बहुत ही निराश हुई थी ऑब्वियसली एवरीबडी विल एक्सपीरियंस द सेम थिंग सिर्फ दो रैंक से फ्रेंड्स मैं पीछे रह गई थी और उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड करा था कि नहीं अब मुझे कर, करना ही है तो आई हैड टेकन अ लेसन फ्रॉम दैट आई नेवर डीमोटिवेटेड माई सेल्फ मैंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं अपने आप को किया और टिल डेट आज तक भी मैं कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करती हूँ तो शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जैसे ई है स्टेट गवर्नमेंट है एम्स है पी है एंड आई हैड वर्कड एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन PGI, GMC आई जी एम सी थर्टी टू आई हैड वर्कड एज अ ट्यूटर देर तो बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस क्लियर होते गए एंड आई होप कि आप सब भी इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करोगे जो जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं हो सकता है ये एक्सपीरियंस आप सबके बहुत ज़्यादा काम आए आई एम जस्ट लुक इन फॉरवर्ड आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं मेरे और भी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं उनके और भी ज़्यादा काम आएंगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ या नॉलेजेबल वीडियो के साथ आई एल डेफिनेटली कम अप थैंक यू सो मच टेक केयर